हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9 और फिर से एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से ही। घर के पास में खेत है, खेत के पास ही हो रही है। फिलहाल हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है। प्याज का बीज बोने के लिए यहाँ पर पापा कर रहे हैं खुदाई, और मतलब क्यारी बना रहे हैं, और ऐसे क्यारी बना करके फिर इसमें बीज बोते हैं। तुम दोनों का काम क्या है रे? खाओ पियो, हड़ी जाओ हैं। खूब, मैं पहुँच चुका हूँ नीचे खेत में। ये देखो, ये हमारी मूली के पत्ते और ये मूली की एक जड़ लगी हुई है रेड वाली। और फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पेड़ में दाल हो रही है तो मैं दाल निकालने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर ना दाल निकालते निकालते मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ पर एक खड्डा का रखा है। तो ये खड्डा किसी और ने नहीं बल्कि जो हमारा सॉल होता है, पहाड़ों में सॉल बोलते हैं उसको, और उसने ये देखो ये गेठी निकाल के ये पूरी खा दी है। इस तरीके से देख रहे हो इसने कैसे खा रखा है। ये इससे पता नहीं पूरा नहीं खाया गया, इसने बाहर बाहर ही खाया, पहले ये छोड़ दिया और ये पूरी ये निकाल करके ये दोनों सुखाने के लिए डाल दिए। अब इसमें गेठी क्या ही होगी, वैसे ही सेम कंडीशन उसने यहाँ पे भी कर रखा है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ निकाल करके फेंक दिया और इसकी गेठी उसने यहाँ पर बैठ करके खाई है आराम से। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो ये ग्राफ्टिंग जो हमने लास्ट टाइम की हुई थी, मैंने आपको दिखाया था ग्राफ्टिंग करते हुए, तो वो ये जो कल्ली है ये देखो ये लग चुका है, ये ऐसे चिपक गया है और इसने ग्रोथ भी पकड़ ली है। तो इस तरीके से अब ये ग्रोथ बढ़िया से हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा समय लगा नहीं, वैसे इसको लगाते ही बारिश हो गई थी तो जिसकी वजह से ये लगा नहीं। और इसमें तो बल्कि आड़ू भी लग गया है, इसकी जो ग्रोथ वाली कल्ली थी वो तो हुई नहीं है और इसमें लग चुके हैं आड़ू। गाइस, सुबह सुबह ना दाल निकालने का ये वाले रीज़न होता है कि ये दाल की जो ये कलियां होती हैं, ये वाली ये दाल होती है जो, ये बहुत नरम होती है, मतलब मुलायम हो जाती है सुबह, यानी कि रात को हल्की वोश की वजह से थोड़ा नरम रहती है। जैसे ये सूख जाएगी, दिन में निकालेंगे अभी सूख जाएगी तो उसके बाद ये कड़क हो जाती है और ये अपने आप ही खुल जाती है ऐसे, और फिर इसमें से दाने निकल जाते हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ही निकाल रखी है मैंने। तो ये हमारी बीन की दाल जो हमारे आड़ू के पेड़ों में होती है, मैं फिलहाल इसको यहीं पर रख देता हूँ। पापा जी यहीं से ले जाएंगे या मैं ही ले जाऊँगा बाद में। फिलहाल लग चुकी है मुझे भूख और मैं लेने आया हूँ अमरूद, तो मैं अभी फिलहाल अमरूद खाऊंगा। मेरे बाल ऐसे हो गए ना पेड़ों में चढ़ चढ़ के, बिल्कुल ऐसे खींच खींच करके ऐसा हो गया, बिल्कुल सत्यानाश हो गया बालों का। और फिलहाल ये देखो अमरूद खा रहा हूँ मैं, मस्त पका हुआ एकदम, मस्त एकदम वाइट में है लेकिन बहुत मीठा भाई। सो गाइज, आज दिन भर मेरा काम जो लगा हुआ है वो सिर्फ दाल निकालने का लगा हुआ है। फिलहाल मैंने इस तरफ वाले खेत में से भी दाल निकाल दी। सो गाइज, हमारे नींबू के पेड़ में लगे हुए हैं छोटे छोटे से नींबू, ये देखो, यानी कि ये तुरंत खाने के लिए तैयार हैं। और ये कुछ नीचे गिरे हुए हैं तो इनको भी घर लेके जाऊंगा मैं, इनको तो लेके चलते हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं कीवी के पेड़ के नीचे। यहां पर हमारी प्यारी प्यारी सी कीवियां झड़ रही हैं, यानी कि जो यहां से थोड़ा सा कमज़ोर हो गई डंडी से तो ये ऐसे गिर जा रही नीचे, लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुई है, बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा। इसको 15 दिन कम से कम रखना पड़ेगा, तब जा कर के पक के रेडी हो जाएगा, फिर खाने योग्य हो जाएगा।
पापा अपने काम पर लग चुके हैं, और क्योंकि ये दाल निकालने का काम पापा का है तो पापा अपना काम कर रहे हैं। ये अमरूद देख रहे हो गाइस, ये देखो कितना खतरनाक होल कर रखा चिड़िया ने। आज घास को काटने का काम कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा सा घास गाय के लिए भी काट करके रखी हुई है, और ये घास बांधनी भी है अभी शाम को। तो फिलहाल चलते हैं घर को इसको लेके, एक कड़क मसालेदार चाय बनाते हैं और सबको ताजगी से भर देते हैं फटाफट से। फिलहाल मेरी बन गई है चाय, और चाय में डाल दिया दूध, और साथ में अभी ये दिवाली की मिठाइयाँ बची हुई हैं तो इसमें चीनी नहीं डालेंगे बल्कि मिठाई यूज़ करेंगे। और मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ खाने के लिए चूड़, तो ये चूड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो देखो इसमें तिल है, गुड़ है और चावल, तीन चीज़ें हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मम्मी चूड़ तो हम ले लो, पापा तो उसे लिए नहीं खावा, पापा चाह पी लियो। खेत दाती दूध ज्यादा है गोना, गाइस दिवाली के समय ना सब लोग खुश रहते हैं कि लड़ी लगाते हैं, चलो फटाफट उजाला उजाला होगा। जब दिवाली चले जाती है फिर निकालने में इतनी मुश्किलें होती हैं, आफत होती है, 50 बार ही सोचना पड़ता है निकालूँ नहीं निकालूँ। तो फिलहाल तो मैं फटाफट लड़ियाँ निकाल देते हैं क्योंकि बहुत महंगी है भैया, अगले साल के काम आएंगे, तो इसको फटाफट निकाल के रखते हैं। और मम्मी पापा दाल को थोड़ा थोड़ा मतलब उसके जो दाने हैं उनको निकाल रहे हैं, तो ये भी काम कम्प्लीट हो जाएगा, और दूसरा भी काम कम्प्लीट करना ही है फटाफट। लड़ी निकालने के बाद ना चेक करना जरूरी होता है, बस चेक करके रख दिया, अभी अब दोनों ठीक है, पहली चेक हो गई है, दूसरी चेक करते हैं, ये भी ठीक है एकदम। और हमारी गाय को देखो कैसे मस्ती कर रही है, ये पानी ना आज दूसरी बार पी रही है तो इतनी मज़े ले रही है पानी के साथ, इसको भी समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो मर गए अरे कैसे फिसल रही है, उधर जा पीछे, यहाँ खा रही, यहाँ क्या खा रही छोटू, डब्लू कहाँ जा रही, डब्लू कहाँ जा रही। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आज यहाँ पे हमारा लूटा लगा करके काम खत्म हो जाएगा, घास का आधी इधर खड़ी करके हैं हो, तो आधा यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे फैला के रखा हुआ, अब सब इसमें शाम को ताऊजी लगाएंगे, और ताऊजी भी आए नहीं है। फिलहाल थोड़ी बहुत घास यहाँ पर रखी हुई है, और थोड़ी बहुत घास ये फैली हुई है जिसमें डब्बू और ब्लैकी उछल कूद कर रहे हैं, बस ये वाली बांध देते हैं पहले फटाफट, और फिर जो ऊपर कल और आज काटी है उसको ऊपर से डालेंगे। सो गाइज ये लूटा तो अभी लग जाएगा, फिलहाल मुझे जाना है कफुल्टा एक निमंत्रण में, तो ये ताऊजी और पापा लगाएंगे अभी। इस बार हमने 1, 2, 3 ये चौथा लूटा लग रहा है, ये हमारे घर के बैक साइड वाली एरिया। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत। और हाँ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना फूल कैसा लग रहा है, ठीक छो। चलो बाय, जय हिंद जय भारत।